सभापति महोदय, मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस बिल को मैं पुरस्थापित करने के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूं, वो बिल किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से संविधान के किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता है। सबसे पहले अनुच्छेद 11 की बात करी, मेरा सबसे आग्रह है कि अनुच्छेद 11 को पूरा पढ़ लें। एक अनुच्छेद 11 का उपबंध में पढ़ना चाहता हूं, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई भी बात नागरिकता के अर्जन और संपत्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। माननीय मेनली लबोलब सबने आर्टिकल 14 का उल्लेख किया कि आर्टिकल 14 वायोलेट हो रहा है। मैं थोड़ा सदन के सामने आर्टिकल 14 को पढ़ना चाहता हूं। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये है आर्टिकल 14। अब मान्यवर जो मैं बिल लेकर आया, इसमें उन कुछ सदस्यों को लगता है कि समानता का अधिकार इससे आहत होता है, परंतु मैं सबके सामने मेरी एक बात रखना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से रोक नहीं सकता। एकदम जवाब मत दीजिएगा, मुझे ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है मान्यवर कि पहली बार नागरिकता के लिए कोई सरकार निर्णय कर रही है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, तो फिर पाकिस्तान से आए हुए क्यों नहीं लिए? उस वक्त मेरा छोटा सा सवाल है कि आर्टिकल 14 ही था तो फिर सिर्फ बांग्लादेश क्यों? अभी अधीर रंजन चौधरी खड़े हो गए, उनका गुस्से होना स्वाभाविक भी है, मैं उनका गुस्सा समझ भी रहा हूं और गुस्से का कारण भी समझ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश से आए हुए लोगों को, तो ये भी बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए भी है और नरसंहार रुका नहीं है। मान्यवर 71 के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर प्रताड़ित करने की घटना हुई।